पिछले दो चार दिनों से जो सोशल मीडिया पे या टीवी पे जो न्यूज आ रही है उसी के बारे में मैं आज बात करने वाली हूँ। एक और निर्भया, स्वतंत्रता दिवस मनाने के दो दिन बाद वो कलकत्ता की दिल दहलाने वाली खबर सुनी, आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। शब्द लिखते वक्त धुंधले हंसे दिखाई दे रहे थे। हमारा देश स्वतंत्र है, क्या हम स्वतंत्र है? ढकोसला धड़ाम से गिर गया। कहां है हम स्वतंत्र? लेकिन समाज है, उनके मन में बहुत सवाल आए। रात को घूमने गई होगी? नहीं, वो ऑन ड्यूटी थी। छोटे कपड़े पहने होंगे? नहीं, उसने डॉक्टर का सफेद कोट पहना था। गलत काम करती होगी? नहीं, वो डॉक्टर थी जिस पेशेंट को हम गॉड के नाम से जानते हैं। अरे बाप रे, फिर उसका कसूर क्या था? उसका कसूर ये था कि वो एक लड़की थी। लड़की बचाओ, लड़की पढ़ाओ, ये नारे हम बहुत जोर जोर से कहते हैं, बोलते हैं। पढ़ाया ना लड़की ने? NEET की सबसे कठिन एग्जाम पास कर ली। 5 साल पढ़ के MBBS किया। आंखों में सपना था कि मैं एक नोबल प्रोफेशन चुन लिया है, अभी मैं एक अच्छा काम करूँगी। मेरे माँ और पिताजी का सर गर्व से मैंने ऊंचा किया है, अब मैं एक अच्छे डॉक्टर बनूंगी। पर हुआ क्या, किसी दरिंदों ने डेट करके बेरहमी से उसका कत्ल कर दिया। उसकी बॉडी की अवस्था सुनकर तो मेरी रूह कांप गई। इतना कोई बेरहम कैसे हो सकता है? या तो वो इंसान नहीं होगा, या तो वो अनाथ होगा जिसे किसी भी रिश्तों की कद्र नहीं है। हम कहां स्वतंत्र है? अभी भी लड़की रात को अकेले बाहर पढ़ नहीं सकती, उसे डर लगा रहता है। ऑफिस से बाहर निकलते वक्त या घर से ऑफिस पे जाने के वक्त रात के वक्त कोई दरिंदा आकर उसे दबोच ना ले। हाल ही में मैंने निर्भया के माँ का वीडियो देखा। निर्भया के कातिल को सजा और निर्भया को न्याय मिलने के लिए पिछले कई साल से वो लड़ रही है। अब मोर्चे निकलेंगे, मोमबत्तियां जलेंगी, न्याय के लिए सब रास्ते पे उतरेंगे, जैसे हमने निर्भया के समय किया था। सिर्फ लड़की बदल गई है। अभी निर्भया को न्याय तो अब तक मिलने से रहा, अभी निर्भया 2 को पता नहीं और कितने साल लगेंगे न्याय मिलने को। जब उसकी माँ और पिताजी पुलिस स्टेशन गए, तब उनके साथ जो शर्मनाक व्यवहार हुआ उसका वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत घूम रहा है। इंसानियत को जिंदा रखना अब तुम्हारे हाथ में है, अत्याचार को रोकना अब तुम्हारे हाथ में है। तू नहीं तो कौन है? कौन यहाँ अन्याय रोकने वाला? तू ही तो है। सिर्फ तू और सिर्फ तू। तू नहीं तो और कौन? ये सब मैं बोल रही हूँ, लेकिन एक सवाल मेरे मन से जा नहीं रहा है। अगर आपके पास इसका जवाब है तो जरूर देना। एक सवाल मन में आया, अगर रेप के बाद वो जिंदा रहती, जिंदा बचती, तो एक दिल से, अपने दिल से एक जवाब देना मुझे, क्या वही इज्जत, वही मान और वही प्यार समाज उसे दे पाता?